वेलकम बैक टू आवर चैनल। शेयर अकाउंटिंग फैसिलिटी के पार्ट 3 में हमने जाना था कि स्प्लिट शेयर की एंट्री मिरेकल में कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बोनस एंड मर्ज डीमर्ज एंट्री कैसे करते हैं। इनको हम वन बाय वन समझेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि बोनस शेयर क्या है। बोनस इश्यू एक तरह का स्टॉक डिविडेंड है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए अलॉट किया जाता है। यहाँ पर पहले हमने हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड का शेयर खरीदा था, लेकिन अब कंपनी ने इस शेयर का 1:1 बोनस अनाउंस किया है, तो इसकी एंट्री हमें करनी है। चलिए बोनस शेयर की एंट्री करते हैं। गो टू शेयर एंड क्लिक ऑन बोनस, देन क्लिक ऑन एड। डेट एंटर करें जो बोनस की रिकॉर्ड डेट होती है। नेक्स्ट वाउचर नंबर एड करें, प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, फिर बोनस क्वांटिटी एड करें जो कि 1:1 के हिसाब से 160 होगी। देन क्लिक ऑन ओके टू सेव। चलिए बोनस रजिस्टर में इसका इफेक्ट देखते हैं। नाउ गो टू शेयर, शेयर रजिस्टर एंड बोनस रजिस्टर में जाए। यहाँ पर आपको बोनस एंट्री की सभी डिटेल्स शो होगी। नेक्स्ट हम मर्ज डीमर्ज की एंट्री कैसे करते हैं ये देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक मर्जर ले रहे हैं जो कि 1 अप्रैल 2020 को मर्ज हुए थे। गो टू शेयर एंड क्लिक ऑन मर्ज डीमर्ज, क्लिक ऑन एड। यहाँ टाइप में शेयर सिलेक्ट करें। आप अपने टाइप के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट में सिंडिकेट बैंक सिलेक्ट करें जिसे हमें मर्ज करना है, और क्वांटिटी एंड रेट एंटर करें। नेक्स्ट कैनरा बैंक सिलेक्ट करें जिसमें मर्ज करना है, और एंट्री को सेव करें। यहाँ इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट में आप देखें तो सिंडिकेट बैंक की सभी एंट्रीज कैनरा बैंक में मर्ज हो गई है। चलिए इसका रजिस्टर देखते हैं। यहाँ आप मर्ज्ड एंट्री डिटेल्स के साथ देख सकते हैं। इसी तरह से आप डीमर्ज की एंट्री भी कर सकते हैं। इतने आसान तरीके से आप बोनस और मर्ज डीमर्ज की एंट्री कर सकते हैं। शेयर के रिगार्डिंग और जानकारी के लिए आप अपने सॉफ्टवेयर वेंडर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड की एंट्री कैसे करते हैं। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल को समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।